दर्शन गुर तमा दे आओ करिए दर्शन जी, दर्शन गुर तमा दे आओ करिए दर्शन जी। मेरे गुरु दे गुरुद्वारियां दे जिथे भी जिने सारियां दे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसी देख रहे हो YouTube चैनल सुख फलम। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम दर्शन गुरु तामा दे। दर्शन गुरु तामा दे आओ करिए दर्शन जी। अज आपां पहुंचे हां गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब जोशी मठ विखे। दर्शन गुरु तामा दे यात्रा श्री हेमकुंट साहिब करदे हुए यह गुरुद्वारा ऋषिकेश तो तकरीबन 250 किलोमीटर ते हरिद्वार तो तकरीबन 270 किलोमीटर से स्थित है। तो गुरुद्वारा गुरु गोबिंद घाट जिथों के हेमकुंट साहिब की पैदल यात्रा स्टार्ट होंदी है उत्थों यह गुरुद्वारा 18 किलोमीटर से स्थित है। आओ हुण आपां गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब जोशी मठ के दरबार साहिब के दर्शन करिए जी। दर्शन गुर तमा दे आओ करिए दर्शन जी। दर्शन गुर तमा दे आओ करिए दर्शन जी। मेरे गुरु दे गुरुद्वारियां दे जिथे भी जिने सारियां दे। मेरे गुरु दे गुरुद्वारियां दे जिथे भी जिने सारियां दे। तकिए आओ नजारे जो, तकिए आओ नजारे जो। आओ हुण आपां इत्थों दे मुख सेवादार बाबा भुपिंदर जी पासों इस स्थान की जानकारी प्राप्त करिए जी। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, ये स्थान आ जिहदा नाम जोशी मठ कहा जाता है, जबकि पुरातन नाम इहदा नाम जोतरी मठ सी। यह स्थान है जिथे शंकराचार्य ने बैठ के तप किया, तप करा, और एक दरख्त आ जिहदा नाम कपल वृक्ष आ, उस थले बैठ के शंकराचार्य ने तपस्या की। तपस्या करन दे मगरों उन्होंने चार हिंदू चार स्थान गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ उन्हों बारे पता लगे भी स्थान कितने कितने ने। तद उन्होंने तपस्या करते रहे, तपस्या करने मगरों फिर उस स्थान की उन्होंने स्थापना कराई। तो हौली हौली जोतरी मठ कहना औखा सी, जोतरी मठ तो यह नाम जोशी मठ पै गया। हूँ इस स्थान जोशी मठ के नाम नाल पुकारा जाता है जी। भाई ये गुरद्वारा जोशी मठ श्री हेमकुंड साहब गुरद्वारा साहब की ब्रांच है जी। यह रस्ते संगतों के आने लिए पड़ो बनया हुआ। जिहड़ियां संगतां श्रीनगर तो आ रही ने जां ऋषिकेश तो आ रही ने, रोड बंद होने कारण वह संगतां भी इत्थे विश्राम कर सकदियां ने। जिहड़ियां संगतां इत्थों गोबिंद घाट नूं जा रही जां गोबिंद घाट तो किन्नी बार संगत सोचदी आ साडा कवर हो जाए, रस्ता कवर हो जाए, असीं जोशी मठ स्टे कर लीए, साडे कोल उह वी उरा के स्टे करदियां ने। गुरद्वारा साडे लंगर 24 घंटे चलदा जी। बाकी साडे रहण दा प्रबंध बहुत वधिया जी। मेरे कोल टोटल 32 दे करीब कमरे ने गुरु घर दे विच, ते मेरे कोल 4 हॉल ने वड्डे, ते मैक्सिमम 1700 लैके तो 2000 दे करीब संगत मेरे कोल स्टे कर सकदी है। और ते बाकी उरे बाजार खुला, समान किसी ने मार्केटिंग चो समान परचेज करना, जुत्तियां वगैरह जो समान बरसातियां वगैरह उरे परचेज कर सकता, क्योंकि गोबिंद घाट किन्नी बार समान अवेलेबल नहीं हुंदा, मार्केट दे विच समान नहीं मिलता जी। वाहिगुरु जी जी श्री हेमकुंड साहब की यात्रा वो 5 महीने के करीब चलती है। तो गुरद्वारा जोशी मठ है ये 12 महीने खुला रहता, तो मैक्सिमम साड़ी यात्रा जी हेमकुंड साहब की अक्टूबर से समाप्त हो जाती है जी। तो बाकी फिर बद्रीनाथ के संगत साढ़े को स्टे करी रही, उस तो बाद उरे दसंबर जनवरी फरवरी ये साढ़े ओली बने स्की सेंटर उत्थे जो लोग आते हैं वो साढ़े को स्टे करते हैं। तो साढ़ा गुरद्वारा जोशी मठ है जोड़ा वो 12 महीने ही खुला रहता। तो हाँ जी, पर साढ़े को जो बॉर्डर तो आर्मी आती है उन्हें सवेरे बस फड़नी होंगी, वो साढ़े को स्टे कर। इतने नेड़े तेड़े बहुत स्थान ने जिहड़े देखने लायक ने। इत्थे जिहड़ा हनुमान आ संजीवनी बूटी लै गया सी, इत्थों 45 किलोमीटर दूर तो संजीवनी बूटी वो हनुमान लैके गया सी इतों। तो इत्थे ही हनुमान चट्टी पैंदी आ जिहड़ी इत्थों 35 किलोमीटर करीब आ, जिथे वो संजीवनी बूटी लैके जाने लई देखने लग गया सी भी फुलां दी घाटी लैके जाई जाए जां द्रोणागिरी पर्वत आ।
इतने द्रोणा गिरी पर्वत इतों 45 किलोमीटर के करीब आई। इतों चीन के बार्डर रस्ते जाते हैं, इतने दो चीन के बार्डर लगते हैं, एक माना बार्डर तो एक मलारी बार्डर। तो आर्मी की ब्रिगेड बैठी है, ये ब्रिगेड हैड ऑफिसर इतना उत्तराखंड का जी। हाँ जी वाहिगुरु जी, सानू संगत को यही निवेदन है भी जड़ी संगत गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब आती है वो साढ़े को जरूर दर्शन साढ़े दे के जान, सानू दर्शन दे के जान, गुरु घर दर्शन करके जान। क्योंकि साडा गुरुद्वारा साहब का एड्रैस है अपर बाजार, बाजार के गुरुद्वारा साहब स्थित है ये जो गुरुद्वारा बाजार के स्थित आ, यह कोई साइड तो नहीं है, अपर बाजार बसदा। जे तुसीं थल्लों आण के वन वे ट्रैफिक होण करके थल्लों लंघना पैंदा, तो जो उपरों तुसीं आ रहे हो तो गुरुद्वारा साहब के मूहरे नूं लंघ के जाना पैंदा जी। तो तुसीं साडे कोल उरे दर्शन दे के लंगर पानी छक के साडे कोल 24 घंटे लंगर चलता, चाह का लंगर 24 घंटे चलता, लंगर 24 घंटे चलता पाया, लंगर छक के दर्शन दे के जरूर जाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ आपां इस गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन करिए। दर्शन गुर तमा दे आओ करिए दर्शन जी, दर्शन गुर तमा दे आओ करिए दर्शन जी। मेरे गुरु दे गुरुद्वारा दे जिथे भी जिन्ने सारिया दे, मेरे गुरु दे गुरुद्वारा दे जिथे भी जिन्ने सारिया दे, तकिए आओ नजारे जो, तकिए आओ नजारे जो, रहमत दे वर्षण जी, दर्शन गुरु तमा दे करिए दर्शन दी, दर्शन गुरु तमा दे। एक सच्चा सतगुरु मेरा हर थां ते वसदा जेड़ा ए, एक सच्चा सतगुरु मेरा ए, हर थां ते वसदा जेड़ा ए। आओ वेखिए उन्ना थावां नूं, वेखिए उन्ना थावां नूं जिन्ना नूं अखियां तरसण दी, दर्शन गुरु तमा दे आओ करिए दर्शन दी, दर्शन गुरु तमा दे। वसदे ने इतिहास साढ़े दसीए सबनू किन्ने खास साढ़े, किथे वसदे ने इतिहास साढ़े दसीए सबनू किन्ने खास साढ़े, जिथे चलदी बाणी हर वेले, जिथे चलदी बाणी हर वेले, सोमे अमृत वर्षण जी, दर्शन गुरु तमा दे आओ करिए दर्शन जी, दर्शन गुरु तमा दे आओ करिए दर्शन जी। मेरे गुरु दे गुरुद्वारा दे जिथे भी जिन्ने सारिया दे,
मेरे गुरु दे गुरुद्वारां दे जिथे भी जिन्ने सारां दे तकिए आओ नजारे जो तकिए आओ नजारे जो रे मत दे वर्षण जी दर्शन गुरु तमा दे करिए दर्शन दी दर्शन गुरु तमा दे एक सच्चा सतगुर मेरा है हर थां ते वसदा जेड़ा है एक सच्चा सतगुरु मेरा है हर थां ते वसदा जेड़ा है आओ वेखिए उन्ना थावां नू वेखिए उन्ना थावां नू जिन्ना नू अखियां तरसण दी दर्शन गुरु तमा दे आओ करिए दर्शन दी दर्शन गुरु तमा